जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ गंदरू। और मैं हूँ छुमकी। क्या समाचार है दीदी? बहुत बढ़िया है गंदरू भाई, आप अपनी समाचार बताइए। एकदम, मैं भी ठीक हूँ और आशा करता हूँ कि किसान भाई भी भले चंगे होंगे। क्या है हिसाब है, क्या करना है कार्यक्रम में? कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ लेकर आए हैं, विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन हम लोग कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कृषि समाचार से, और चलिए फिर कृषि समाचार देखा जाए और बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ से भी हम लोग लेकर आते हैं। चलिए, नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ सौम्या। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। वर्ष 2020 तक सालाना 2 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य। झारखंड में किया जाएगा 5 लाख डोभा का निर्माण। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद CP4। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड सरकार ने वर्ष 2020 तक 2 लाख मीट्रिक टन मछली उत्पादन करने का लक्ष्य तय किया है। इस वित्तीय वर्ष में अब तक 1,06,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन किया गया है। अगले वित्तीय वर्ष 2016-17 में 1,40,000 मीट्रिक टन मछली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 2,000 केज लगाए जाएंगे और अगले वित्तीय वर्ष तक 5,000 केज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। झारखंड में जलनिधि योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत छोटे छोटे तालाब बनाए जाएंगे। जलनिधि योजना के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन छोटे तालाबों का उपयोग सिंचाई के साथ साथ मछली पालन के लिए भी किया जाएगा। इसके अलावा पूरे झारखंड में 5 लाख डोभा का भी निर्माण किया जाएगा। वर्तमान में 457 तालाबों के निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है। किसान भाई, गोभी में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन की कमी होने से फूल छोटे बनते हैं और गोभी का रंग बदरंग हो जाता है। बोरॉन की पूर्ति के लिए फसल लगाने के बाद शुरुआती अवस्था में ही खेत की मिट्टी में बोरेक्स पाउडर मिला दें। किसान भाई, गोभी यदि छोटा हो और उसका रंग सही न हो तो बाजार में उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्व बोरॉन की कमी हो तो गोभी का आकार छोटा और रंग बदरंग हो जाता है। किसान भाई, गोभी लगाने से पहले मिट्टी की जांच कराएं। यदि बोरॉन की कमी हो तो इसकी पूर्ति के लिए बोरेक्स पाउडर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से खेत में डालें। तो किसान भाइयों को मैं सलाह देना चाहता हूं को बोरॉन का प्रयोग करें। बोरेक्स पाउडर बाजार में मिलता है, आप उसका प्रयोग करें। अगर मिट्टी में प्रारंभिक अवस्था में ही 6 किलो प्रति एकड़ की दर से व्यवहार करते हैं तो बहुत अच्छा काम करेगा। किसान भाई, आप यदि झाड़ीदार बोदी की गर्मा खेती करना चाहते हैं तो फरवरी से मार्च तक बुआई का काम कर सकते हैं। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल नामक उन्नत प्रभेद लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता बहुत अच्छी है। अपने राज्य के जो किसान गर्मी के मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं वो दोमट या हल्की चिकनी मिट्टी वाले खेत चुनें। बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। किसान भाई, वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में, कम मेहनत में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। रामगढ़ जिले के मांडू स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक हुई जिसमें भारी संख्या में किसानों ने भाग लिया। इस मौके पर ICAR RCER के निदेशक डॉक्टर BP भट्ट ने कहा, झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में जो खासकर दलहन की जो उत्पादकता है वो राष्ट्रीय स्तर से लगभग 1.5 गुना ज़्यादा है। तो इस तरीके की जो है, परंतु जो धान प्रतिभूमि है उस धान प्रतिभूमि में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा दलहन या तिलहन का उत्पादन किया जा सकता है, उस पर भी आज चर्चा की। और अब
एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस। वहीं धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति चाईबासा में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 1,500 रुपए से 2,000 रुपए, चावल मध्यम 2,100 रुपए से 2,400 रुपए, चावल उत्तम 3,400 रुपए से 3,800 रुपए, गेहूँ 2,200 रुपए से 2,400 रुपए, चना 6,300 रुपए से 6,800 रुपए, दाल अरहर 12,500 रुपए से 14,000 रुपए, दाल मसूर 6,800 रुपए से 7,200 रुपए, सरसों तेल 11,000 रुपए से 12,000 रुपए, चीनी 3,300 रुपए से 3,450 रुपए, आलू 700 रुपए से 800 रुपए और प्याज 1,500 रुपए से 1,600 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो भाई बहुत अच्छी जानकारी। हम लोग अभी कृषि समाचार देख रहे थे और कृषि समाचार के तहत हमने तमाम तरह की खेती बाड़ी से जुड़ी हुई जानकारी, ठीक है, मौसम का मिजाज भी जाना और बाजार का भाव भी जाना। अरे अच्छी बात है। और देखिए किसान भाई, हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी जानकारियां हैं, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि एक छोटा सा विराम लें। और लेकिन आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग कहीं जाइएगा मत, हम लोग तुरंत से तुरंत आपका बहुत पसंदीदा कार्यक्रम लेके हाजिर होते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है, कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है, और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं, डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ समझ गया मेरी रानी, अब ना करू ना दानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। और आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़ा जाए, लेकिन हमको लगता है दीदी ये जानकारी जो किसान भाइयों को मिलेगी ये आपकी ओर से है। जी बिल्कुल, मेरी ओर से है। तो गंदरू जी, ठंड की मौसम है, ठंड सभी को लगती है एकदम भाई, और किसान भाई बहन को भी लगती है। और किसान भाई बहन जो है खेती के अलावा मुर्गी पालन, पशुपालन, गोपालन, सुअर पालन, सब कुछ करते हैं, तो उनकी देखभाल के भी आवश्यकता है कि बिल्कुल। देखिए ऐसा है ना दीदी कि ठंड में ऐसा नहीं है कि केवल हम लोगों को जरूरत पड़ता है ठंड से बचने की, हमारे पशु पालक जो किसान भाई हैं उनको अपने पशुओं की भी देखभाल करनी बहुत जरूरी है। तो इसी के बारे में जानकारी है क्या? तो मुर्गियों की देखभाल ठंड के मौसम में कैसे की जाए, इसकी जानकारी लेकर आए हैं। और हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, जो हमें ढेर सारी जानकारी देंगे। तो चलिए किसान भाई बहन, आप लोगों के साथ विशेषज्ञ जुड़ चुके हैं और आप जानकारी लीजिए। किसान भाइयों, हम अपने कार्यक्रम में आपको कई तरह की जानकारी देते हैं, और आज इसी क्रम में हम आपको जानकारी देंगे जाड़े में मुर्गियों की देखभाल के बारे में। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। सर, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि जाड़े में मुर्गियों की देखभाल से संबंधित,
तो सबसे पहले तो ये हमें बताएं कि ठंड के मौसम में जो मुर्गी पालक हैं उनको किस किस तरह की समस्या हो सकती है मुर्गियों को लेकर। हाँ, ठंड के मौसम में काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है, खास करके मुर्गी पालक जो भी हैं, जो ब्रॉयलर पालन कर रहे हैं या बैकयार्ड में पालन कर रहे हैं, दोनों तरफ जो मुर्गी पालक हैं उनको काफ़ी परेशानी होती है। और इसमें जो परेशानियाँ की बात होती है कि किस तरह से उनको परेशानियाँ आ सकती है, तो सबसे बड़ा परेशानी है कि छोटे जो बच्चे होते हैं, चिक्स होते हैं, उसमें मॉर्टलिटी रेट बढ़ जाता है, बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है, वो दाना खाना कम कर देते हैं, पानी पीना कम कर देते हैं, अंडे देने वाली जो मुर्गियां हैं अंडे का उत्पादन कम हो जाता है। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियां एक साथ आ जाती है अगर हम सही ढंग से उसका प्रबंधन नहीं करें तो, और इसका सीधा असर हमारे किसान भाइयों को उसके आमदनी पे पड़ता है, आमदनी कम हो जाती है, या फिर कहें कि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमारे किसान भाइयों को झेलना पड़ता है इस ठंड के मौसम में अगर उन्होंने समुचित देखभाल नहीं की है तो। सर, इसी संबंधित दूसरा सवाल है कि आपने बात करी कि चूजों को ज़्यादा समस्या हो जाती है, तो बरसात के तुरंत बाद जो है जाड़े का मौसम शुरू होता है, तो चूजों की देखभाल में किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए कि हमारे जो मुर्गी पालक हैं उनको कम से कम नुकसान हो और फ़ायदा हो। खास करके इसमें देखा जाता है ठंड के मौसम में चूजे, छोटे जो चूजे होते हैं उसकी मॉर्टलिटी रेट बढ़ जाती है, जिसका मुख्य कारण है कि इसमें आवास व्यवस्था, खान पान की व्यवस्था और प्रबंधन सही ढंग से नहीं हमारे किसान भाई करते हैं। तो इसमें देखा जाता है कि चूजे के खास करके उसमें मरने का कारण है कि चूजे एक दूसरे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, दब करके मर जाते हैं, कुछ बीमारियाँ के कारण मरते हैं, और जो है खास करके देखा जाता है कि जो चूजे जो हैं उसमें ठंड लगने से भी मर जाती है। तो इसमें देखा जाता है कि क्या इसका कारण हो सकता है, तो इसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि ठंड के मौसम में जब हम तापमान सही नहीं देते, कोल्ड वेव चलता है, ठंडी शीतलहर चल रही है, और उसमें अंदर का वातावरण जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है, तो इस तरह से खास करके देखा जाता है कि चूजों में काफ़ी मृत्यु दर बढ़ जाती है। इसी तरह से चूजा जो है ठंड के मौसम में अगर हम तापमान नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो पानी कम पीती है वो, और पानी जब वो कम पीती है तो इसका सीधा असर उसका मेटाबॉलिज्म पे पड़ता है, किडनी पे प्रॉब्लम होता है और चूजे की मृत्यु। सर, तो आवास में किस तरह का परिवर्तन करना चाहिए कि उनको जो निर्धारित तापमान है उसमें हम रख सकें? खास करके देखा जाता है कि चूजों में आवास में तापमान नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है। हमारे किसान भाई थर्मामीटर लगाएं, उससे तापमान देखें कि कितने सप्ताह का जो चूजा है और उसमें कितना तापमान की ज़रूरत होती है। तो तापमान नियंत्रित करने के लिए हम लोग बल्ब लगाते हैं, या फिर जब बहुत ज़्यादा तापमान जो है कम हो जाता है तो उसमें बल्ब भी काम नहीं करता तो हीटर लगाते हैं। सर, अगर बल्ब लगाते हैं तो ज़मीन से उसकी दूरी कितनी होनी चाहिए ऊपर में? जी हाँ, क्योंकि जी हाँ, ये भी बहुत प्रमुख कारक हो सकता है। जी हाँ, खास करके जो छोटे चूजे हैं तो उसमें ज़मीन से लगभग 1.5 से 2 फीट ऊँचा करके हम लोग बल्ब दे सकते हैं, और बड़े हैं तो 2.5 से 3 फीट ऊँचा करके बल्ब। ये है कि वहाँ पर तापमान जो है सराउंडिंग में कितना आ रहा है ये प्रमुख है कि उसमें उनको पूरा तापमान मिलना चाहिए। तो दूसरी चीज़ है कि हम लोग जो है कि कोल्ड वेव से बचाने के लिए, खास करके आपने मुर्गी पालन में देखा होगा कि जो भी किसान पालक मुर्गी पालन करते हैं चारों तरफ से खुला रहता है, उसका जाली लगा रहता है, इसमें कोल्ड वेव्स अंदर घुसते हैं, तो उसको हम लोग को बंद करना चाहिए। और लेकिन बंद करने से दूसरा समस्या आता है कि अंदर जो है कि वेंटिलेशन का प्रॉब्लम होता है, गैस का एक्युमुलेशन होता है, जिसका भी सीधा असर उसमें पड़ता है। तो बीच बीच में हमको उसको खिड़की को हटा करके और उसको गैस को बाहर निकालना चाहिए, एग्जॉस्ट फैन लगा दें। जो भी किसान भाई जो बल्ब नहीं जला पाते हैं, बिजली की समस्या है, वो अलाव जला सकते हैं, कोयले का चूल्हा धुआं जब ख़त्म हो जाता है तब उसको रख सकते हैं, या फिर जो लकड़ी का बुरादा होता है उसको जलाकर धुआं हटने के बाद उसको वहाँ पे रख दीजिए। तो इससे उसमें अगर वातावरण गर्म होगा तो इसमें मृत्यु दर जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। जो लीटर मटेरियल है वो गीली हो जाती है, वहाँ पर आप लकड़ी का बुरादा डाल के उसमें चूना और ब्लीचिंग पाउडर डाल के उसको मिक्स करें, नहीं तो वो गीला होता है, तो गीला होने से अगर मुर्गियां वहां पे जाएगी तो गीला से वो उसके शरीर में ठंड लगेगी और वहीं पे उसका जो है जो कोल्ड स्ट्रोक जो कहते हैं वो प्रॉब्लम होता है और इससे जो है मुर्गियां मरने लगती हैं। साथ ही सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो उनका आहार व्यवस्था है क्या उसमें भी परिवर्तन करना ज़रूरी हो जाता है मुर्गियों की देखभाल को लेकर? जी हाँ, आहार व्यवस्था में खास करके मैंने बताया कि इसमें मुर्गियाँ जो है पानी पीना कम करती है, खास करके जो शुरू में 1 सप्ताह 10 दिन का जो मुर्गियाँ होती है वो पानी पीना कम कर देती है। तो कोशिश करना चाहिए कि उस समय शरीर वातावरण का तापमान ऐसा करे कि पानी बहुत ज़्यादा ठंड ना हो और वो उसको पी लें। इसके साथ में हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं कि उसमें कुछ एंटीबायोटिक, लीवर एक्सट्रैक्ट जिससे भूख बढ़े, ये सब चीज़ हम लोग मिक्स कर सकते हैं। कुछ हर्बल भी आता है दवा जिससे कि जो है कि मुर्गियों में प्यास जो है ज़्यादा बढ़ती है, तो उस तरह से जो दवा है उसको भी मिक्स करके दें। और जो है कि बहुत सारा इम्यूनो पोटेंट जो दवा है जिससे इम्यूनिटी बढ़ती है उस दवा का भी हम लोग इसमें उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से कि आप सही वातावरण अगर मेंटेन करते हैं तो आपका जो समस्या है वो समस्या नहीं आएगी और हमारा
जो मुर्गी पालक हैं, मुर्गियां हैं, वो स्वस्थ रहेंगे। लेकिन सर, हमारे मुर्गी पालक तमाम तरह की व्यवस्था करने के बाद भी कभी कभी शिकायत करते हैं कि कुछ बीमारियां हो गई, तो इस मौसम में कौन कौन सी ऐसी बीमारी है जो कि मुर्गियों को हो सकती है? इसमें मुख्य रूप से श्वसन सांस संबंधी बीमारियां देखने को मिलती है। इसमें पहला बीमारियां ब्रूडर्स निमोनिया, जिसमें छोटे बच्चे जो 10 दिन तक के बच्चे होते हैं उसमें देखने को मिलता है। इसके लक्षण होते हैं कि वो मुँह से सांस लेना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जो है ये मरने लगते हैं अचानक, तो इस तरह से ये पहली बीमारी। दूसरा है CRD जो कहते हैं, रिस्पायरेटरी डिजीज का ये है, इसमें भी सांस संबंधित समस्याएं होती है, लंग्स में इन्फेक्शन होता है और मुर्गियां मरती है। इसका कारण क्या होता है? जी, नमी के कारण। जी हाँ, जो ब्रूडर्स निमोनिया या CRD जो है, इसमें ठंड जब बढ़ जाता है तो मुर्गियां जो है वो स्ट्रेस में आ जाती है, नमी आ जाता है, उनको सही वातावरण नहीं मिलता है, तो लंग्स में इन्फेक्शन होता है जिसके कारण जो है कि मुर्गियां मरने लगती है। आप उसका पोस्टमार्टम कराएंगे तो देखेंगे लंग्स में लीजन्स मिलते हैं। तो इससे बचाने के लिए आप प्रिवेंटिव मेजर्स, पहला तो आप उसमें वातावरण सही रखिए, दूसरा चीज़ है कि आप प्रिवेंटिव मेजर्स में डॉक्टर की सलाह लेके पानी में एंटीबायोटिक, जैसे ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी मिलाते हैं, 1 ग्राम 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसको देते हैं, तो किसी तरह का जो इन्फेक्शन होता है वो उसमें नहीं होने देता है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शंस हैं उसको ख़त्म करने के लिए हम लोग प्रिवेंटिव मेडिसिन लेकर के, वो और भी बहुत सारी दवाएं हैं उसमें जो रिस्पायरेटरी से संबंधित है, तो उसको आप लोग डॉक्टर की सलाह लेके उसको शुरू से ही ठंड के मौसम से पहले से ही आप शुरुआत करते हैं, तो इस तरह से जो बीमारियां होती है ये बीमारियां नहीं होगी और जो है होने वाली हानियों से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। और खासकर जाड़े के मौसम में आहार और आवास व्यवस्था में जो डॉक्टर साहब ने बताया सुझाया उसके हिसाब से परिवर्तन करें। डॉक्टर साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम में बने रहे, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी जानकारी दी जाड़े मुर्गी पालन को संबंधित, तो इस विषय पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छी जानकारी हो गई। और किसान भाई, हम आशा करते हैं कि ये जो छोटी सी जानकारी आप लोगों को हम लोग दिलाए डॉक्टर साहब के जरिए, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और आप लोग जरूर से जरूर इस बात को ध्यान देंगे, है ना? और दीदी क्या करें, आगे और जानकारियां हैं, लेकिन छोटा सा एक और संदेश है, एक छोटा सा विराम है, बिल्कुल उसके बाद लौटते हैं और जानकारियां लेते हैं। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। और किसान भाई, जहाँ तक दूसरी जानकारी की बात है तो क्या मैं बताऊं? इस बार आपकी तरफ से है, आप दीजिए जानकारी। बिल्कुल, तो किसान भाई देखिए, हम लोग पहले पहल जाने कि मुर्गी पालन कैसे करें, उसमें ठंड के मौसम में कैसे उनकी सुरक्षा करें। अब अगली जानकारी है खेती बाड़ी से जुड़े हुए किसान भाई, खास करके हमारे छोटा नागपुर क्षेत्र में सब्जियों की खेती जो है ना बहुत आयात तरीके में होता है। लेकिन किसान भाई ऐसा है ना कि हम लोग रासायनिक खादों का प्रयोग बहुत आयात में करते हैं और ऐसा है ना कि हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि कितनी मात्रा में खेत में डालना चाहिए। जी बिल्कुल, तो उसमें क्या होता है, नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है, हमारी खेती को उठाना पड़ता है, उत्पादन में कमी हो जाती है ना किसानों को। तो किसान भाई बिल्कुल बिल्कुल, तो किसान भाई आज हम लोग पोटास का जो उपयोग है, खास करके खेत में कितना मात्रा में हम लोग अपनी सब्जी फसल में पोटास का प्रयोग करेंगे, इसी बारे में हम लोगों को आज जानकारी लेना है। तो आइए हम लोग विशेषज्ञ से मिलते हैं, डॉक्टर SK नायक जी से, जो कि हम लोग को बताएंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है और कैसे हम लोग इसको खेत में प्रयोग करेंगे। जी चलिए, आप सब्जी लगाते हैं तो उसमें पोषक तत्व जरूर डालते होंगे, आज हम इसी विषय पर चर्चा में आए हैं और लेंगे कि सब्जी फसल में पोटास की क्या उपयोगिता है। इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ डॉक्टर SK नायक जी। डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई सब्जी फसल तो लगाते ही हैं और उसमें विभिन्न तरह के पोषक तत्व डालते ही हैं, लेकिन आज हमारा विषय जो है वो पोटास पे है केंद्रित, तो पोटास की क्या उपयोगिता है और हमारे किसान भाई इसकी कैसे उपयोग करेंगे इस बारे में? जैसे किसान भाई, आप लोग जानते हैं कि आप नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास, ये जो 3 मुख्य पोषक तत्व होता है, और ये देखा गया है कि झारखंड में ज़्यादातर किसान जो है DAP फर्टिलाइज़र डालते हैं और उसके बाद उसमें ज़्यादातर कोई खाद, मतलब रासायनिक खाद नहीं डालते हैं।
तो जो डीएपी होता है, डीएपी डायमोनियम फॉस्फेट जो खाद है, रासायनिक खाद है, उसमें हमारा खाली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है और उसमें पोटाश नहीं होता है। और ये देखा गया है कि जितना भी हम सब्जी खेती करते हैं, धीरे धीरे हमारा जो मिट्टी में इम्बैलेंस होते जा रहा है, हम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस खाली डाल रहे हैं और पोटाश नहीं डाल रहे हैं, इसके चलते इम्बैलेंस हो रहा है। हमारा जो मिट्टी में भी पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि जानते हैं कि हाँ, पौधा के लिए हमारा काफ़ी सारा पोषक तत्व तो चाहिए, उसमें जो मुख्य पोषक तत्व तो है एनपीके है, और एनपीके अगर बैलेंस में रहेगा तो उसमें हमारा फायदा होता है, यील्ड में बढ़वार होता है और डिजीज जो है रोग प्रतिरोधक होता है। तो हम आप बात करेंगे कि पोटाश का कमी से क्या उसका प्रभाव होता है फसलों में। आप देखेंगे कि कोई भी फसल ले लीजिए, सब्जी फसल ले लीजिए या कोई फ्रूट्स का ले लीजिए, पत्ता का जो नीचे वाला जो पत्ता होता है उसमें किनारे सूखा हो जाता है, मतलब धीरे धीरे सूख जाता है, और ये सूखने के बाद थोड़ा अंदर की तरफ इसका पत्ता जो जलन जैसा होता है और अंदर की तरफ आता है, और धीरे धीरे पत्ता वो पूरा जैसे झुलस जाता है, और ये जो है ये नीचे वाला पत्ता में ही होता है, और ये सभी फसल में एक ही टाइप का उसका सिम्टम दिखता है, ये पोटाश कम होने के कारण होता है। और ये आप हम जानते हैं कि जो जितना भी पौधा के लिए जो खाना बनता है ये पत्ता से ही बनता है, और पत्ता जो है ये किचन हाउस है, जैसे हम लोग घर में किचन हाउस करते हैं तो उसमें जो भी खाना बनता है पौधा में तो वो पत्ता से ही बनता है। और ये पत्ता कैसे खाना बनता है, जैसे सूर्य किरण से लेता है, लाइट लेता है, और नीचे ज़मीन से लेता है, मिट्टी से लेता है, पानी लेता है, रासायनिक खाद लेता है, तो उससे फिर वो वहाँ उसका खाना बनता है, और खाना बनने के बाद ये अलग अलग जगह को पहुँचाता है। तो अगर हमारा पत्ता ख़राब हो जाता है और पत्ता जल जाता है तो उसमें उसका फ़ायदा नहीं ले पाएगा, उसे बढ़वार नहीं होगा, जितना हमारा फल होना चाहिए उतना फल नहीं हो पाता है, तो ये पोटाश का मुख्य कारण होता है। और जैसे कोई कंदवर्गीय फसल, जैसे कंदवर्गीय सब्जी होते हैं तो वहाँ पोटाश का बहुत जरूर हो, मतलब बहुत नीडी है वो क्रॉप, क्योंकि जो शर्करा उसमें क्या होता है, जो अगर आलू का सब्जी लेते हैं, आलू में ऐसा है कि उसमें जो भी है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, और ये कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता है हमारा पोटाश के चलते ही बढ़ता है, और पोटाश अगर हम नहीं डालेंगे तो उसका साइज ही नहीं बढ़ पाएगा, तो ये पोटाश का बहुत रोल होता है। और भी जैसे फसल होता है, जैसे ऊपर वाला सब्जी ले लीजिए, टमाटर लीजिए, बैंगन लीजिए, उसमें पोटाश का रोल यही होता है कि जो खाना बनता है, जो उसका किचन हाउस में खाना बनता है, पहुँचाएगा कौन, कौन पोषक तत्व हम डालने से उसको पहुँचाएगा, ये जो है पोटाश के चलते वो पहुँचाता है। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं तो पोटाश कहाँ दे और कहाँ कम दे, इसकी मात्रा का जो है निर्धारण कैसे करेंगे? हाँ, जैसे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब किस सोर्स से हम देना पड़ेगा, किस टाइम से देना पड़ेगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी होता है किसान के लिए। ज़्यादातर ये देखा गया है कि सब्जी फसल में अगर आप सॉइल टेस्ट करते हैं तो बहुत अच्छा है, सॉइल टेस्ट करके कितना आपका मात्रा आ रहा है वो देखना पड़ता है, और हमारा जो फसल है कितना वो रिक्वायर करता है, कितना वो नीडी है, तो उसी हिसाब से दिया जाता है। अगर आपका सॉइल टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है, ये भी उसमें निर्धारित किया गया है कि एक हम ब्लैंकेट डोज उसमें हम दे सकते हैं। जैसे कि सब्जी फसल में अगर आप सॉइल टेस्ट नहीं कर पाते हैं तो 80 से 100 केजी पोटाश डालना पड़ेगा, मतलब इसका अगर एमओपी के हिसाब से, म्यूरेट ऑफ पोटाश के हिसाब से अगर देखा जाएगा तो 150 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको मिट्टी में ये डालना पड़ेगा। और किस टाइम में डालना पड़ेगा वो ज़्यादा ज़रूरी है, जिस टाइम में आप खेत चलाते हैं, मतलब जिस टाइम में आप बनाते हैं, रेडी करते हैं, मिट्टी रेडी तैयार होता है, उस टाइम में सोइंग होता है, सोइंग के टाइम में ही एक ही बार इसको पोटाश डालना पड़ता है। सब्जी जो एनुअल क्रॉप्स है, मतलब जो सब्जी फसल हुआ उसको एक बार में आपका सोइंग टाइम में उसको डालना पड़ेगा। और ये जो पोटाश जो है ये ज़्यादा मोबिलिटी नहीं है मिट्टी में, एक बार जहाँ रहेगा उतना मोबाइल, बाकी जो है जैसे नाइट्रोजन होता है वो हाईली मोबाइल होता है, एक होने से मतलब एक जगह डालेंगे तो हो सकता है उसका लीचिंग हो जाएगा, ज़्यादा लॉस होता है, लेकिन पोटाश जो है एक ही जगह उसमें रहता है। और इसका सपोज हम 100 केजी पोटाश डाल रहे हैं, उससे पौधा ले पाता है 30 से 60 केजी तक उसमें वो ले पाएगा, अगर 100 केजी डालते हैं तो उसमें वो 30 से 60% उसका इफिशियंसी होता है।
तो हम वही हिसाब से उसमें डालें कि जाके उसमें पौधा में उसमें वढ़वार हो और सही मात्रा में उसमें पौधा को पहुंच पाए। और ये देखा गया है कि जैसे कोई बारिश नहीं हो रहा है, मतलब सुखाड़ हो जा रहा है, तो सुखाड़ चलते ये जो पोटाश का रोल ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्या करता है, अगर क्रॉप में भी ज़्यादा सूख जा रहा है तो उसका पत्ता में एक होल होता है, आप जब देखते हैं हमको दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसमें बहुत सारा छिद्र होता है, और वो क्या करता है कि सुखाड़ के टाइम में वो छिद्र को बंद कर देता है, और उससे चलते जो उसमें पानी जो निकल जाता है वो उसको कम हो जाता है, मतलब इतना ज़्यादा निकलता नहीं है, तो उसके चलते पौधा थोड़ा उसमें मुरझाता नहीं है, तो पोटाश का रोल उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि दो तरह की फसलें होती है, एक जमीन के अंदर होती है, एक जमीन के ऊपर होती है, तो दोनों में क्या पोटाश की मात्रा का निर्धारण कैसे करेंगे, और नीचे वाले में ज़्यादा देंगे या ऊपर? हाँ, ये बहुत, अगर नीचे वाला जो कंद वर्गीय फसल वो ज़्यादा पोटाश की जरूरत पड़ता है, और ऊपर वाला जो है उसमें कम, मतलब उसका एक गुना अगर ऊपर वाला में देंगे ऊपर वाला फल के लिए, तो उसमें हमको देना पड़ेगा दो गुना जो मिट्टी वाला है, जैसे है आलू है कंद वर्गीय जितना भी फसल लेते हैं उसमें दो गुना हमको पोटाश डालना होगा। हमारा बनाना हो गया, बनाना इतना ज़्यादा लेता है कि सबसे मैक्सिमम हाइस्ट जो ऑप्टेक होता है बनाना में होता है, और इसी के चलते कोई भी कंद वर्गीय सब्जी आप देखे होंगे, बहुत लोग देखेंगे कंद वर्गीय सब्जी लेने के बाद बहुत लोग फार्मर रिपोर्ट करते हैं कि हमारा मिट्टी ये हो गया है, मतलब उसके बाद कोई फसल ठीक से नहीं हो पाता है, इसका कारण है कि ये पूरा हाईली एग्जस्टिव होता है और जो पोटाश का कमी उसमें बहुत ज़्यादा दिखता है। तो आप हमारे किस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब ने, बिल्कुल, और इससे उम्मीद करती हूँ कि किसान भाई बहनों को बहुत लाभ मिलेगा। एकदम बिल्कुल भाई, देखिए किसान भाइयों, अगर हम लोग विशेषज्ञ के द्वारा जो बताई गई बातें हैं उसको अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो हम लोगों को बहुत फायदा होना है, ठीक है ना? तो बिल्कुल किसान भाई, एकदम से आप लोग ध्यान से जरूर से हम लोग का कार्यक्रम देखते हैं, और अब हम लोग को जाना चाहिए क्या? हाँ, पूना की तरफ रुख करना है, एकदम तो चलिए चलते हैं सब मिलजुल। बिल्कुल, भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पूर्व की ओर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। अभी दलहनी और तेलहनी फसलों में जरूरत के मुताबिक निकाई गुड़ाई करें। मसूर और चना फसल में बुआई के 50 से 55 दिनों बाद फूल आने से पहले एक सिंचाई जरूर करें। इन दिनों सरसों, मटर, सेम वगैरह फसलों में लाही कीट का आक्रमण हो रहा है, इससे बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड या मोनोस्टील या मेटासिस्टॉक्स कीटनाशी दवा का छिड़काव 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से करें। तो भाई, अभी हम लोग IMD पुणे गए हुए थे, जहाँ से हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियाँ ली, कृषि सलाह लिए, ठीक है, और साथ में मौसम की जानकारी भी। तो अब जाने का समय हो गया है, लेकिन देखिए जाने से पहले हम अपने कार्यक्रम का पता जरूर नोट कराते हैं किसान भाइयों को, और किसान भाई आपसे अनुरोध है कि आप लोग जरूर से जरूर हम लोगों का पता को नोट कीजिए और अपना सलाह हम लोगों को लिख भेजिए, ताकि हम लोग आपके सलाह को कार्यक्रम में शामिल कर सकें। जी, और सिर्फ सलाह ही नहीं, अपना सुझाव भी भेजिए। बिल्कुल, और आपके पास कोई जानकारियां हैं वो भी लिख भेजिए, अगले कार्यक्रम में हम उसे जरूर लेकर आएंगे। देखिए, देर ना करके कार्यक्रम का पता बता दीजिए। चलिए, कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रात रोड, रांची, पिन संख्या 834001। चलिए किसान भाई बहन, आप लोगों ने पता जरूर लिख लिया होगा, तब आप अपनी समस्याएं, सुझाव और जानकारियां लिख भेजिए, और अब गंदरू जी को और झुमकी बहन को विदा दीजिए। जोहार जोहार।